एंड इंग्लिश मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि इंग्लिश टीम जो है वो अपना शेफ साथ लेकर आएगी. क्या बोला तूने? बिकॉज़ लास्ट टाइम अराउंड जब वो T20 के लिए आए थे तो उनके पेट खराब हो. अच्छा, बिल्कुल. तो अब वो तकरीबन 26-27 दिन का उनका टूर होगा ना. नहीं तो वो अपना शेफ साथ लेकिन ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं ये नॉर्मली हमारे वहाँ पे खाने खाते हैं ये इंग्लैंड में. झूठ बोल रहा है. यस. और आई मीन उनको पसंद भी बहुत ज्यादा. लास्ट टाइम जब फ्लिंट टॉप आया था यहाँ पे, आई मीन 2005 या 6 की सीरीज थी, एनजी भाई कप्तान थे. मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल. ये हो गया, टॉप हो गया, ये तो हम साथ खाने खाते थे और ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे. बिरयानी बहुत शौक से खाती थी, स्पाइसी होती थी शौक से खाते थे, कढ़ाइयाँ बड़ी शौक से खाते थे ये लोग. अच्छा, हमको सिखा रहा है. बिल्कुल, ये नई वाली जनरेशन है ना, ये अच्छे नहीं खाए पिए कुछ भी. दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है. जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेला जाना है, जिसमें खाने को लेकर इंग्लैंड की टीम अपने साथ कुक लेकर साथ आएगा. जबकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में खाना सही से नहीं मिलता है, बल्कि पाकिस्तान में हैवी और मसालेदार खाना मिलता है, जो एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. वहीं जब यह बात पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है. वैसे आपको बता दें कि अभी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान भी नहीं पहुंची है, उससे पहले खाने का ड्रामा हो रहा है. अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी तो देखिए क्या क्या होता है. तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का रिएक्शन. मतलब कमाल हो गया भाई, अब तो जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो इतना उनको परेशानी है पाकिस्तान में पाकिस्तानी खानों से कि अब वो शेफ भी साथ आ रहे हैं भाई. और जो रिपोर्ट उन्होंने दी जो यहाँ पर T20 सीरीज खेल के गए थे साथ मैच की वर्ल्ड कप से पहले के जी, उसमें मतलब जो उनको खाना सर्व किया गया वो मतलब बुरा नहीं था. मैं नहीं मानता, लेकिन उनके हिसाब से जो उनकी डाइट है उस हिसाब से नहीं था और ये था वो था. तो अब जो है जी शेफ साहब उनके साथ आएंगे, ये बड़ा अनहर्ड सा है कि क्रिकेट में आप ये चीज सुने कि जी कोई शेफ हुआ होगा पहले. आई डोंट नो. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो. अभी तो रेस्टोरेंट चला चुके हैं, अभी भी शेफ तो वहां से आ जाएगा, मसाले वसाले तो यहीं के इस्तेमाल होने हैं. झूठ बोल रहा है. पता नहीं वैसे वाकई सीरियसली आप वो मसालों को भरोसा नहीं होता. नहीं, आज माइन अली ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है उनका ये कहना है कि भाई लाहौर जो है लाहौर के खाने अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में लाहौर में खाना अच्छा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए जो हम अपना शेफ जो है वो ला रहे हैं. चीटिंग करता है तू. उन्होंने जो अपना जो कुक है उसको साथ ला रहे हैं वो लोग. अब यहां से अंदाजा लगा लें, पीसीबी ने इस पर जो है वो थोड़ा एतराज भी उठाया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई क्या करें, कराची के खाने तो अच्छे हैं लेकिन लाहौर का जो खाना है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए जो हम अपना कुक जो है वो हम अपने साथ लेके आ रहे हैं. तो आप ये अगर देखा जाए तो बड़ी बेइज्जती है, सीधी सी बात है. वो अपना कुक वहां से साथ लेके आ रहे हैं यार, तो पीसीबी को भी सोचना चाहिए. और यार लाहौर वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये होटल्स वाले ये लोग. अच्छा, हमको सिखा रहा है. मुझे समझ नहीं है, कभी कभी यहाँ पर भी जो कोई केस खुला होता है, किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया, पता नहीं खिलाड़ियों को क्या खिला दिया. ये बात हकीकत है कि माइन अली ने ये बोला है कि भाई खाने अच्छे नहीं होते हैं लाहौर. ये बड़ी अच्छी बात कही है. उन्होंने बोला कि कराची का खाना विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाहौर वाले खाना अच्छा नहीं देते हैं, इसलिए हम अपना जो कुक साथ लेके आ रहे हैं. उन्होंने अपने कुक की जो पिक्चर है वो भी उन्होंने शेयर की है लोगों ने. ये गड़बड़े बाबा. दूसरी तरफ जो वो इंग्लैंड टीम ने ये ऐलान कर दिया कि हम जो अपना शेफ जो है वो साथ लेकर आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान का टूर कर गए थे वो यहाँ पर खानों से जो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो. स्पेशली मोइन अली ने लाहौर के खाने का कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा. हालांकि नहीं है लाहौर के, अगर आप देखो खाने अच्छे हैं इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन अनारकली बाजार वो ठीक है, लाहौर के खाने अच्छे, लेकिन थोड़े से ना देसी खाने बहुत ज्यादा होते हैं. अब वो इंग्लैंड को उस तरह के पसंद नहीं आ रहे. इंग्लैंड को बड़ा इस बार तुम पिशावर लेके जाओ, पिशावर में इनको जो है वो कच्चा गोश्त खिलाओ. क्या बोला तूने? पिशावर का भी टेस्ट है, लेकिन वो उनको शायद वो पसंद आ जाए. अच्छा थोड़ा बताते हैं कि हुआ क्या सीन है इंग्लैंड का, क्योंकि एक्सपीरियंस पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं रहा था. इवन अली हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जब आया था उनको बहुत अच्छा लगा, तो तारीफें कर करनी थी. बारबेक्यू खूब खा रहे थे रेस्टोरेंट्स में जाके, स्टीवन्स में तो जितने खिलाड़ी थे वॉरन वगैरह खूब बारबेक्यू शारबेक्यू खा रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे. लेकिन इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो अपना शेफ लेकर आएंगे, क्योंकि जो T20 सीरीज थी वहां पर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ. अच्छा, हमको सिखा रहा है. वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में वाकई में खाना अच्छा मिलता है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना.